एक कितना महत्वपूर्ण बिल यहां पास किया जा रहा है, ऐसी एसटी के वर्ग जो छोटी मोटी मात्राओं की गलती से रह गए, लंबा पूरा कांग्रेस ने अपने समय निकाला और जैसा सरोज जी कह रही थी कि 36 साल से ये मांग छत्तीसगढ़ में उठ रही है, फिर भी कभी कांग्रेस ने उनकी चिंता नहीं की। मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा मोदी जी का, मुंडा जी का, कि एक प्रस्ताव लेकर आए कि छोटी मोटी गलती के कारण, मात्रा की गलती के कारण, वर्षों से जो आदिवासी महरूम है अपने अधिकारों के प्रति, उनको अधिकार देने का काम आज हमारे संसद कर रही है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आमतौर पर यह भी जो सरोज ने उठाया कि धर्मांतरण आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ झारखंड में ज़्यादा समस्या है, पर हमारा वहाँ भी राजस्थान में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ जबरदस्त भुखमरी है, कुपोषण है, गरीबी है, उसको लेकर वहाँ धर्मांतरण आम परंपरा हो गई है, बड़ा पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। तो इस डिबेट में भाग लेते हुए मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और धर्म परिवर्तन के दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, उनको आरक्षण के प्रावधान को खत्म किया जाना चाहिए, जिससे ये धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लग सके। एक हमारे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी, गुजरात और उदयपुर का जो TSP एरिया है, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस पर ही मैं मंत्री जी को इसके जरिए ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि स्टेट हमारा राजस्थान पूरी तरह से विफल रहा है, वहाँ जबरदस्त भुखमरी है, कुपोषण है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो किसी न किसी से जरिए से, वैसे तो केंद्र बहुत सहायता दे रहा है, बहुत बजट, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि करीबन 70% बजट ST और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने बढ़ाया है, जिसके कारण बड़े बड़े एकलव्य विद्यालय जो कभी नहीं बना करते थे, हमारे राजस्थान में दर्जनों एकलव्य विद्यालय बने जहाँ से शिक्षा का प्रसार आदिवासियों को मिलेगा। हमारे बारे में ये कांग्रेस या प्रतिपक्ष के लोग आम तौर पर कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, लेकिन उपसभापति महोदय, BJP सदैव ही ST की हितैषी रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले, हमारी जब सरकार आई थी NDA की, तो 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया, और अटल जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जनजाति का अलग से आयोग बनाया और जनजाति का अलग से मंत्रालय बनाने का काम किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अभी मोदी जी जब पुनः सत्ता में आए तो फिर चर्चा देश भर में, जो हमारे विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधियों ने प्रचार किया कि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद भी ST SC का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया। 89 में ST SC एट्रोसिटीज एक्ट लाए थे, उस एट्रोसिटी एक्ट में 9 प्रावधान थे जिसको बढ़ाकर मोदी जी ने 17 चीजें और जोड़ दी और इसको और मजबूत कर दिया। और ST SC का आरक्षण स्टेट्स में बढ़े आबादी के हिसाब से, उसका केंद्र की DOPT ने हर राज्य को पत्र लिखा है कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे जनसंख्या के अनुपात में इनका आरक्षण बढ़ना चाहिए। लेकिन राजस्थान में, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर रहे हैं केंद्र के निर्देश के बाद भी, तो माननीय मुंडा जी से मैं निवेदन करूँगा कि राज्य को फिर एक सख्त पत्र लिखें ताकि इस संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ सके। हमारे वहाँ TSP एरिया है सभापति महोदय, और वो TSP एरिया 40 साल तक मांग करते रहे हमारे इलाके के लोग, राजस्थान की, जहाँ मेरे को जानकारी, और जगह और स्टेट्स में भी ये स्थिति होगी। TSP एरिया को बढ़ाने का काम किया तो मोदी जी ने किया है, पहले कांग्रेस ने कभी नहीं ध्यान दिया कि TSP एरिया को बढ़ाया जाए। और देश की आज़ादी के बाद से जो ट्राइबल बाहुल इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें
अगर सर्वाधिक विकास हुआ है तो मोदी जी की अगुवाई के 9 साल के कार्यकाल में हुआ है। बड़ी सड़कें बनी हैं, बड़े पुल बने हैं, शिक्षा के केंद्र खुले हैं, स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर बहुत बड़ी हैं। और पहला जो एक बड़ा गौरव का विषय हमारे लिए है, पूरे देश के आदिवासियों के लिए, वो ये है कि ठेठ आदिवासी इलाके से एक महिला को लाकर देश का राष्ट्रपति बना के बड़ा मान हमारे देश का बढ़ाया है, मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर। ऐसे ही हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े राष्ट्रभक्त थे, उनको कभी कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी जन्म जयंती पर गौरव दिवस मनाने का जो आयोजन किया वो मोदी जी की सूझबूझ के कारण किया, उससे हमारा सम्मान बढ़ा, मान बढ़ा। हमारे एक स्थान और है सभापति जी, जो आपकी जानकारी में होगा, मानगढ़ धाम। ये मानगढ़ धाम गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर तीनों के में है, और उसमें 1800 लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए थे। इतनी शहीदी कहीं भी नहीं हुई। उस स्थान पर पहली बार देश का अगर प्रधानमंत्री गया जहाँ 1800 लोगों ने शहीद किया, वहाँ नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, और उसको विकसित करेंगे। तीनों राज्यों से अपना वो बात करके, चर्चा करके उसको एक बहुत अच्छा गौरवशाली स्थान बनाएंगे, इस बात की हमको बहुत खुशी है। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मार्केटिंग अच्छी तरह ठीक ढंग से हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष बजट दिया है, उनको मार्केट दिया है, ताकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कारण वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। एक काम और हुआ था उपसभापति महोदय, आपकी जानकारी में होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ कि जंगल से आदिवासियों को हटाया जाए, अभी 2-1 साल पहले फैसला आया था। तो 10 करोड़ देश के आबादियों पे तलवार लटकी, उनको बचाने के लिए हमारी केंद्र की सरकार मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो लाखों आदिवासी विस्थापित होते, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया और उनका विस्थापन रोकने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं एक हमारे इलाके की समस्या एक है जो मैं मुंडा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में मीणा जाति एसटी में है। मीणा और मीणा एक ही जाति है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोल का फर्क है, जैसे पानी की जगह पानी बोलते हैं उस ढंग से फर्क है। तो मीणा इंग्लिश में MINA के साथ साथ MEENA हो जाए तथा मीणा के साथ साथ मीणा हो जाए, ऐसा संशोधन हेतु भारत सरकार ने, आपके मंत्रालय ने राजस्थान की सरकार को पत्र लिखा है। वहाँ सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है। मेरे गांव में जिसका नाम मीणा है उसका सर्टिफिकेट बन जाए, और जिसका नाम मीणा नहीं है उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता। मेरे गांव में जो MINA लिखता है, जिसने शुरू से शुरुआत कर दी, उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन MEENA का नहीं बनता। तो ये आपका पत्र गया है राजस्थान को, और मैंने सदन में भी 2-3 बार ये मामला उठाया है, और आपने यही जवाब भेजा है कि राजस्थान की सरकार इस संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं भेज रही। राजस्थान की सरकार की दुर्भावना है, राजस्थान की सरकार ये नहीं चाहती कि भला हो, कल्याण हो। इसलिए मैं माननीय मुंडा जी से प्रार्थना करूंगा कि एक पत्र आपका और चले जाए राजस्थान की सरकार को, जिससे MINA के साथ साथ MEENA तथा मीणा के साथ साथ मीणा शब्द जुड़कर संविधान में संशोधन हो सके। जो छत्तीसगढ़ में जो मात्रा की वो शब्दों का फर्क के कारण जो लोग सफर कर रहे हैं, उसी हिसाब से राजस्थान में मीणा सफर कर रहे हैं। इसलिए आप राज्य को एक सख्त पत्र लिखें, और सख्त पत्र लिखने के बाद आप वो उसमें संशोधन कराएं, जिससे राजस्थान का ये ST वर्ग भी अपना उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रदर्शन करने के लिए।